फिक्शन वालों के लिए, जो ट्रैवलिंग वीडियो बनाते हैं उनके लिए, ब्लॉग वीडियो बनाते हैं उनके लिए, सभी के लिए है। अगर आप यात्रा करते हैं तो इस तरह से अगर आप यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग डिक्शन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आप यात्रा करते हैं, यानी कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप डिक्शन मीटिंग के लिए अटेंड करते हैं, कहीं जाते हैं वाते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि आप अगर कोई वीडियोज बनाते हैं, कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे ब्लॉग वीडियोज बनाते हैं, तो उसके लिए भी आज बात करेंगे कि आप यात्रा करते समय आप कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे डिक्शन का, जो दिन भर आप तरोताजगी महसूस करेंगे, वो भी कम खर्चे में। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज डिक्शन का चार प्रोडक्ट रखने वाला हूँ, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है गिरोडर्मा, दूसरा कॉफी, तीसरे में स्प्रुलिना और चौथी में है मतलब कोई भी पेय पदार्थ, यानी कि आप कुछ भी पी सकते हो पेय पदार्थ में, तो ये डिक्शन के रिलेटेड आएगी। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको बारीकी से समझ में आ जाएगी कि डिक्शन के वो चार प्रोडक्ट कौन सी होगी जो हम यूज करेंगे तो दिन भर ताजगी और महसूस करेंगे। आप कहीं भी मीटिंग देने जाने वाले हो तो वहां पे आप कैसे बिना खाए पिए और डिक्शन को चार प्रोडक्ट जो कि आपके बहुत कम प्राइस में आएंगी, वो आपको दिन भर ताजगी महसूस भरी देगी। तो सबसे पहले जैसे कि आपको बताया कि गिरोडर्मा यूज करना है, तो जैसा कि आपको बता दूं कि गिरोडर्मा एक बहुत पुरानी जड़ी बूटी के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि आप गूगल पर सर्च करेंगे किंग ऑफ द हर्ब्स, यानी कि जड़ी बूटी का राजा कौन है, तो उसमें आएगा गिरोडर्मा। गिरोडर्मा में बहुत ही एक प्रकार का एंटी ऑक्सीडेंट, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला उसमें एक प्रकार का जड़ी बूटी पाया जाता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारी तरोताजगी, जो हमारे शरीर में जो बेनिफिट्स मिलने वाली है, प्रोटीन, वो सारे कुछ देती है। जैसा कि मान लीजिए अगर हम चल रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, हमें कुछ पावर की जरूरत होती है, तब गिरोडर्मा जब हम खाते हैं तो उसमें एनर्जी मिलती है, पावरफुल मिलती है। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं भूख लगा है, अगर आप वहां पे अगर खाते हैं तो कॉस्टली ज्यादा पड़ती है, महंगे पड़ते हैं, आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस स्थिति में आप गिरोडर्मा यूज करके आप गिरोडर्मा खा सकते हैं। इसके आपके चलते शरीर में ऊर्जा बनाए रखेगी, इम्यून सिस्टम बढ़ाएगी। देखते होंगे जब भूख जब आपको लगती है, अगर कमजोरी अगर आपको सताती है, तो उस स्थिति में आंखों के अंधेरे आगे लगेगा, आंखों के आगे के अंधेरा छा गया, यानी कि कमजोरी महसूस करेंगे और थोड़ी थोड़ी चक्कर भरने लगेगा। इस फलस्वरूप जब आप यात्रा करते हैं, कहीं पे मीटिंग अटेंड करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो सबका बॉडी अलग अलग टेम्परेचर में काम करता है, सबका बॉडी अलग अलग लेवल का होता है, किन्हीं का कोई कमजोर इम्यून सिस्टम है, किसी का ज्यादा मजबूत इम्यून सिस्टम है, तो इस स्थिति में संक्रमण की ज्यादा खतरा बढ़ने कराता है। जैसे किसी ने हाथ मिलाया, किसी ने गले मिलाया, तो उस स्थिति में किन्हीं का हाथ आप तो जान नहीं रहे होगे कि ये कैसा है, उसका शरीर कैसा है, उसका बॉडी कैसा है, तो इस स्थिति में असंक्रमण बढ़ने की स्थिति बढ़ जाती है। तो अगर आप गिरोडर्मा यूज करते हैं, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं गिरोडर्मा ले लिया, अगर मान लीजिए किसी से मिलने के बाद भी ले लिया, तो जो भी संक्रमण बढ़ने वाली रहेगी वो या तो बढ़ गई है, वो दोनों को कंप्रोमाइज करके आप बिल्कुल शरीर से आउट ऑफ द रेंज कर देती है, अगर आप गिरोडर्मा यूज करते हैं तो। तो देखा ही होगा आपने, कहीं पे अगर आप मीटिंग अटेंड करते हैं तो आप किसी न किसी आदमी से जरूर मिलते हो, गुड मॉर्निंग सर, हेलो, हाय, हाथ मिलाने की परंपरा, जो गले मिलते हैं, वो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इस स्थिति में अगर आप गिरोडर्मा का यूज करते हैं तो आपको बढ़ने वाले संक्रमण आपसे दूर रहती है। डिक्शन स्पिरुलिना का सेवन, स्पिरुलिना एक प्रकार का नीला हरा शैवाल है, जो प्राकृतिक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, यह एक सुपर फूड माना जाता है। अब बात करते हैं यात्रा के दौरान स्पिरुलिना क्यों खाएं। शरीर को पोषण मिले, यात्रा के दौरान पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, इसे स्पिरुलिना इसे पूरा करने में मदद करता है। यह प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन B12 और आयरन से भरपूर होता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लंबे समय से जब आप यात्रा कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपका शरीर थक जाता है, इस स्थिति में आप स्पिरुलिना के यूज करके अपने थकान को दूर कर सकते हैं। जैसा कि पाचन प्रक्रिया में जब एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं, तो उस स्थिति में डाइजेशन जो सिस्टम होता है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ का पानी, वहाँ का पानी,
यानी कि दिनचर्या, जो खाने का सिस्टम होता है वो कुछ अटपटा सा जैसा हो जाता है। अगर आप कुछ खा लिए बाहर का सामान, अगर आपको मन करा कुछ डाइजेशन सिस्टम में, पाचन प्रक्रिया में अगर प्रॉब्लम हुई, तो अगर आप स्पिरुलिना यूज करते हैं तो इसमें ऐसे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे ऐसे मिनरल्स, ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, प्राकृतिक गुण इसमें है कि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो सकता है। जैसा कि आपको बताया था चाय के बारे में, अगर आप तो चाय सुनेंगे तो आपको अटपटा जैसा लगेगा कि अरे यार रास्ते में मैं जाऊंगा तो चाय या स्टॉप कहाँ से लाऊंगा, गैस कहाँ से लाऊंगा, उसे बनाऊंगा किधर, आपको ये लग रही होगी। लेकिन डिक्शन का जो चाय है वो ऋषि गैनो यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें दी गई है, गैनो डर्मा यूज करके उसको मिला करके हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि बार बार आपको गैनो डर्मा बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा यार गैनो डर्मा डिक्शन में है कहाँ, कौन सा प्रोडक्ट है। तो आपको बता दूं कि गैनोडर्मा में कुछ भी सामान, सभी कुछ भी इंग्रेडिएंट्स में गैनोडर्मा यूज किया गया है। आप चाहे तो स्पिरुलिना खा लीजिए, या तो कॉर्डिसेप्स कॉफी पी लीजिए, या तो कॉर्डिसेप्स टैबलेट, यानी कि जितने भी आप देख रहे हो आयुर्वेदा सीरीज छोड़ करके, आयुर्वेदा सीरीज में हो गया नीम, गिलोय, त्रिफला, ये जो 6 प्रोडक्ट न्यू आई वाली आई थी, ये वाली छोड़ करके बाकी जो प्रोडक्ट्स खाने पीने वाली है उसमें सारे कुछ भी इंग्रेडिएंट्स में गैनोडर्मा यूज किया गया है, आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था वो गैनोडर्मा के बारे में, तो कुछ भी आप खा सकते हैं। तो चलिए चाय के ऊपर चलते हैं। जैसा कि मैं बताया था आपको कि आप चाय सुन के हड़बड़ा गए होंगे, गड़बड़ हो गए होंगे कि क्या यार कैसे पीऊंगा, तो एक बोतल लेनी है, कोई सा भी बोतल। आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आपके पास बोतल पानी पीने वाला तो होगा ही, उसे पानी में थोड़ी सी चम्मच से चाय डाल देनी है बस, और कुछ करने नहीं है, वो नॉर्मल पानी में, और 2-3 बार सेक कर लेनी है, और उसके बाद आराम से 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जो चाय पत्ती का जो पत्ती है वो नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर आ जाए, और बस वही वाली चाय आपको पीनी है। आपको यकीन दिला दूं कि जो आप चीनी, चाय, दूध, ये सब पता नहीं क्या क्या आप जो पीते हो मिला करके, वो चाय एक प्रकार का जहर है, क्योंकि चाय में दूध जब जाने के बाद वो चाय जहर हो जाती है। आप यकीन मानिए, आप कहीं पर भी सर्च करके उसे लैब में जाकर टेस्ट करा सकते हैं कि चाय कितनी खतरनाक है। तो आप इस तरह से चाय पी सकते हैं। कॉफी भी आती है डिक्शन का 3-in-1 लिंजी कॉफी 3-in-1, आप इसे भी नॉर्मल पानी में कॉफी डाल करके सेक करके पी सकते हैं, जो कि आपको इतनी तारी ताजगी महसूस होगी। आप यकीन मानिए, कोई भी महंगी महंगी दवा खाकर जितना तारी ताजगी महसूस नहीं यूज करते हैं, जितना क्या डिक्शन का जो प्रोडक्ट है, जो ये आप यूज करके जब तरोताजगी महसूस करेंगे, आप यकीन मानिए एक बार यूज करके देखिए। आपको ट्रेवलिंग जब करेंगे तो आपको एक अनुभव सा प्रदान होगा कि मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ या कुछ सीख रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी आप एक बार यूज करेंगे। तो डिएक्शन वालों के लिए, जो ट्रेवलिंग वीडियो बनाते हैं उनके लिए, ब्लॉग वीडियो बनाते हैं उनके लिए, सभी के लिए है। अगर आप यात्रा करते हैं तो इस तरह से अगर आप यूज करेंगे डिक्शन का 3-4 प्रोडक्ट जो कि यूनिक से बताया, आप चाहें तो कुछ और इसे हटके भी ले सकते हैं, और भी डिक्शन में महंगी 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 प्रोडक्ट है, जैसे कॉर्डिसेप्स टैबलेट, कॉर्डिसेप्स कॉफी, ये और बेहतरीन आपको ऊर्जा प्रदान कर दी है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। कॉफी 3-in-2-in-1 की जगह 3-in-1 की जगह कॉर्डिसेप्स कॉफी यूज कर सकते हैं, जो कि काफी आपको अच्छा हेल्पफुल मिलेगी। रास्ते में आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जहां पे देखते हैं अब बहुत सारे लोगों को देख के लोग नर्वस हो जाते हैं, आप वहां पे खड़े होकर इत्मीनान से एकदम बेफिक्र होकर के ताजगी रूप से आप मीटिंग अटेंड करवा सकते हैं और लोगों को कन्वेंस कर सकते हैं। अगर आप ट्रेवलिंग के दौरान कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो आप इन 3-4 चीज यूज करके आप खा सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं, इसमें आपके भी बेनिफिट्स है, आपके भी प्रॉफिट्स है ना। तो देखिए डिक्शन का 3-4 प्रोडक्ट आप यूज कीजिए और अपने हिस्सा में, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और लोगों को भी बनवाइए।